सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग। यानी कि देख लीजिए, मतलब नवमी आ गई है और मतलब मैं एक दिन छोड़कर एक दिन मतलब दूसरे दिन एक मतलब दुर्गा पूजा पे वीडियो ला दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला भी था कि लगातार वीडियोज आएंगी, तो इस सीरीज़ को मतलब स्टार्ट रखते हैं, मतलब जब तक नवमी नहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये बैकग्राउंड मैंने खुद से बनाया है, लेकिन आप लोगों को मतलब बस बैकग्राउंड से ज़रूरत है तो आप लोगों को बस बैकग्राउंड ही मतलब डायरेक्ट आप लोगों को एडिटिंग करना सिखा देता हूँ, और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए पहले आपको एडिटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले पिक्चर हट में जाएंगे। मैं इसे मतलब और भी कहीं मतलब एडिटिंग कर सकता था, लेकिन पिक्सआर्ट में बहुत ही ईजी होता है फ़ोटो एडिटिंग करना, इसीलिए मैं आप लोग को पिक्सआर्ट में बताता हूँ। तो और कोई ऐप में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब समझ में उतना नहीं आता है। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट में आने के बाद देखिए क्या करना है। सबसे पहले टूल्स पर आना है, और एक बात आप लोग समझा देता हूँ। देखिए, आप लोग को एडिटिंग करना है किसी भी ऐप में आप लोग कीजिएगा तो लगातार हर एक मतलब ये जितने भी टूल्स दिए हैं, ठीक है, उनका यूज मतलब बारी बारी से करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले मतलब टूल्स पे जाएंगे और फोटो को रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। ऐसा अपने फ़ोटो को रिसाइज कर लेंगे, और रिसाइज करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एड वाले ऑप्शन पे आएंगे और अपना फ़ोटो एड कर लेंगे जो मैंने कटआउट करके पहले से ही रखा है। तो यहाँ से उसे ला लेते हैं पहले। हाँ, तो ये रहा मेरा फ़ोटो कटआउट किया गया, तो इसे यूज़ करते हैं। और हाँ, एक और बंदा मतलब मेरे साथ है तो उसको एडिटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा, क्योंकि भाई आप लोगों को तो एक ही फ़ोटो एडिट करना है, तो इसलिए मैं बस अपना फ़ोटो एडिटिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले फ़ोटो को यहाँ से इतना लगा लेते हैं। और हाँ यार, मेरा मतलब माइक भी ख़राब हो गया है और आज मुझे मतलब बुखार भी लगा है, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा मतलब वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसे थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है भाई लोग। तो चलिए, मतलब अब देखिए, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, पीएनजी वगैरह ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें पीएनजी वगैरह ऐड किया है उसे यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे गाइस, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब आवाज़ भी उतना साफ नहीं निकल पा रहा है, लेकिन फिर भी मतलब वीडियो थोड़ा लेट हो गया है तो डालना पड़ेगा, क्योंकि कल भी बुखार लग गया था और आज भी वीडियो अगर नहीं पोस्ट करेंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, आप लोग नाराज भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले उस वाले पीएनजी को ऐड कर लेते हैं जो मुझे ऐड करना है इसमें। तो क्या करेंगे, एक ये वाला ऐड करना है और एक ये वाला, और इसमें से तो कोई नहीं है बट इसे भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसे ऊपर कर लेते हैं, इसे कुछ इतना करके यहाँ से ऐड कर लेंगे, और इस वाले को यहाँ से ऐसे कर लेंगे। तो वीडियो में आज तक बने रहिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को पीएनजी एडिट करना सिखा दे रहे हैं, उसके बाद अपना फ़ोटो आप लोग एडिटिंग करते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस पीएनजी को, देखिए इस हिसाब से एडिट करना है जिस तरह से मैंने एडिट किया है। अगर अलग अलग एडिटिंग कर देंगे मतलब इधर से उधर तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए इसे यहाँ पर एड करते हैं, और अब क्या करेंगे, मतलब फायर वगैरह मतलब उसमें यूज़ किया है मैंने, तो सबसे पहले अपने डाटा को ओपन कर लेते हैं और स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को कहीं से भी मतलब उतना मतलब क्या बोलते हैं पीएनजी वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सब पीएनजी इसी में मिल जाएगा, आप लोगों को थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैंने यही सब मतलब एड करके ये वाला एक पीएनजी और एक ये वाला पीएनजी एड करके मतलब बैकग्राउंड बनाया है। तो पहले इस वाले ऑप्शन को मतलब ला लेते हैं, इस वाले पीएनजी को, इस वाले पीएनजी को देखिए आप लोग क्या लिखेंगे तो आएगा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ सबसे पहले। तो इसे सबसे पहले कट कर लेते हैं, और इसे कट कर लेते हैं और स्टिकर पे जाएंगे, और यहाँ पे फायर एयर लिख देना है, फायर एरो, ठीक है। तो यहाँ पे फायर एरो लिख लेते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर पे ही आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसे ऐसे कर लेंगे और यहाँ से इसे फ्लिप रोटेट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। ओ ये क्या हो गया, हाँ तो इसे फ्लिप रोटेट कर लेंगे मतलब इस टाइप से कर लेंगे कि मतलब आगे इसका मतलब दूसरे साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे कुछ ऐसे ऐड कर लेते हैं।
अब इसे इरेज कर लेंगे अपने हाथों के सामने से। अगर आप लोग ऐसा पोज किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो भाई इसमें मतलब आप लोग मतलब ये तीर हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी एडिटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही एक पोज है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फायर पेन जी लगाएंगे यहाँ पे, तो इससे हटा लेते हैं और फायर बस लिख देंगे। उसके बाद से देखिए इतना सारा फायर मतलब आ गया है, तो इसमें से अब मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, आप लोग भी कोई यूज़ कर लीजिएगा, उसमें नहीं है कि यही ऐड करना है, ठीक है। तो कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं इस वाले को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा इसका ऑपेसिटी कम कर लेंगे, कुछ इतना कर लेंगे। अब देखिए फ़ोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। और एक चीज़ बचा है जो कि ऊपर राउंड नवमी है, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से राम नवमी लिख लेते हैं। आप लोग यहाँ से कुछ भी सर्च करेंगे ना, कुछ भी, तो आप लोगों को आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं दुर्गा माता दुर्गा पूजा टेक्स्ट लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो इसमें से आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, जय माता देवी मतलब हैप्पी दुर्गा पूजा, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नवरात्र उत्सव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, मतलब बस आप लोगों को सर्च करना है स्टिकर पे जाके, ठीक है। आप लोग कुछ भी सर्च करेंगे ना आप लोगों को पीएनजी मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए यहाँ से इतना मेरा फ़ोटो अब एडिटिंग हो चुका है, और आप लोग भी कुछ ऐसा फ़ोटो एडिटिंग कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग या मेंशन कीजिए, मैं आप लोगों को मेंशन भी ज़रूर दूंगा, ठीक है। और देखिए कितना फ़ोटो HD में हुआ है, कैसे हुआ है, तो मैंने इस फ़ोटो को पहले ही रेमनी कर लिया था, ठीक है। आप लोग भी पहले अपने फ़ोटो को रेमनी करके उसके बाद से कटआउट कर लेना, बहुत ही मस्त मतलब आप लोगों का फ़ोटो बन जाएगा और HD में। तो चलिए किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक लिए बाय, टेक केयर।